सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये सेकंड वाली स्लाइड को जो है, अगर आपको हाइड करना है तो आप जो है इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर हाइड स्लाइड के ऊपर क्लिक कीजिए, तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लाइड जो है यहाँ पर हाइड हो गई है। दोस्तों, अगर आपको इसको अनहाइड करना है तो सिंपल आपको जो है फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो यहाँ पर फिर से हाइड स्लाइड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये स्लाइड जो है अनहाइड हो गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है स्लाइड को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।